मैं रकीबुन नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का हिंदी का पाठ 1, प्रभु ऐसा वर दो। हम असत्य से बचे सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। यह पद उपनिषद से लिया गया है। इसके अनुसार कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो कि हम असत्य से दूर रहे और सत्य की राह पर चले। हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिमय मानस कर दो। आगे कवि कहता है कि हे प्रभु, हमें अंधकार अर्थात छल कपट असत्य से बाहर निकालो और हमें ज्योतिमय मानस अर्थात ज्ञान युक्त मनुष्य बना दो। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो देव अमरता का दो दान। आगे कवि कहता है कि हे प्रभु, हमें ऐसा दान दो जिससे हमें विजय मृत्यु प्राप्त हो और हमें देवता के समान मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाए। सत्य मार्ग पर चल के पाए अमर ज्योति का नया विहान। आगे कवि कहता है कि हम असत्य और भलाई की राह पर चलकर ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिससे सभी की नई सुबह हो और सभी को ऐसा ज्ञान मिले जो कभी भी नष्ट ना हो। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। कवि ने भगवान से प्रार्थना की है कि सभी शांति और सुख से मिलजुल कर रहे ताकि सभी का जीवन मंगलमय हो। नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। किसी को भी भय ना हो, किसी को भी दुख ना हो, ना ही किसी को कोई तकलीफ हो। हमें ऐसा जीवन दो। इस कविता का सार यह है कि इस कविता में कवि ने सभी को सत्य की राह पर चलने को कहा है और प्रभु से ऐसा वरदान मांगा है कि सभी को ज्ञान दे और सब शांति से मिलजुल कर जीवन यापन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।